हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल एंड दिस इज अवर डेली एमसीक्यू सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? ए फिशरीज, बी फार्म सब्सिडीज, सी इको टूरिज्म और डी ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करें व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, इको टूरिज्म से रिलेटेड है। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो ये बेसिकली आपकी बीचेस को सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। जो भी बीच बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेट्स से एनवायरमेंटल एडुकेशन या अवेयरनेस फैलाने में और इको टूरिज्म प्रमोट करने में, उनको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। राइट, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे कि इंडिया से फर्स्ट बीच कौन सा था जिसको ये बीईई सर्टिफिकेशन मिली थी। ठीक है, और ये डेनमार्क बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, वो इस सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड करती है। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन बताएं कि इंडिया से पहला बीच कौन सा था। क्वेश्चन नंबर टू इज, मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका और डी आंध्र प्रदेश। अब देखो, ये जो डैम था ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था पिछले साल। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। आप लोग तब तक कमेंट सेक्शन में बताएं एग्जैक्टली इसका लोकेशन किस स्टेट में। तो द करेक्ट आंसर इज बी, तमिलनाडु में लोकेटेड है। तो देखो, ये जो मुल्ला पेरियार डैम है बेसिकली मुलायर रिवर और पेरियार रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। ऑलराइट, जैसे मुलायर रिवर और ये पेरियार, तो यहाँ पे ये डैम बना हुआ है। ठीक है, सो ये डैम लोकेटेड तो है तमिलनाडु में, बट इट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय द नेबरिंग स्टेट ऑफ केरला। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई वाज टॉकिंग यू अबाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, विथ रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी, द इंडियन जेजेबल, ऑरेंज ओक लीफ एंड कृष्णा पिकॉक आर विच ऑफ द फॉलोइंग? आर दे ए एम्फीबियंस, बी रेप्टाइल्स, सी बटरफ्लाई या डी मैमल्स? क्या है ये तीनों स्पीशीज? ठीक है, तो बताएं कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी बटरफ्लाई। ऑलराइट, तो देखिए, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है नेशनल बटरफ्लाई ऑफ इंडिया को खोजने का। ठीक है, तो इस लिस्ट में ये तीन बटरफ्लाई की स्पीशीज आपकी मेंशन है, द इंडियन जेजेबल, ऑरेंज ओक लीफ और द कृष्णा पीकॉक। ठीक है, तो चलिए इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्लू मोरन, ये एक बटरफ्लाई है, ये किस स्टेट की स्टेट बटरफ्लाई है? और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये यूपीएससी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। राइट, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ब्लू मोरन कहां की स्टेट बटरफ्लाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, द नोबेल पीस प्राइज 2020 हैज बीन अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है? यूनेस्को, बी यूएनडब्ल्यूएफपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, या सी यूनिसेफ और डी यूएनडीपी। यूएनडीपी इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज बी यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम। देखो, आप सबको पता है कि इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक है काफी पिछड़ी हुई है, और वर्ल्ड में भी जो हंगर और माल न्यूट्रिशन है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ, तो उसको दूर करने के लिए यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम ने काफी इनिशिएटिव्स लिए थे, और इसलिए उसको ये नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया। राइट, टू कॉम्बैट हंगर। राइट, और देखो होता क्या है, लेट्स से जिस भी जगह हंगर अगर प्रेवलेंट है, हंगर प्रेवलेंट रहेगी तो ऑब्वियसली वहां पे माल न्यूट्रिशन होगा लोगों में, बच्चों में माल न्यूट्रिशन होगा, वो बच्चे इकोनॉमिकली उतने यूजफुल नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वे स्कूल वगैरह जा नहीं पाएंगे, बीमार रहेंगे, तो उनकी एडुकेशन विल सफर। एडुकेशन से सफरिंग से क्या होगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट विल सफर, एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी सफर होगी तो ऑब्वियसली पैसे नहीं आएंगे, तो उससे गरीबी होगी, और गरीबी रहेगी तो वो हंगर को अगेन प्रमोट करेगा। तो एक ये विशियस साइकिल है। ठीक है, तो हमें हंगर जो कि एक रूट कॉज है, इसको हमें ठीक करना है। राइट, तो इस टाइप के आप डायग्राम्स अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, रुद्रम वन रिसेंटली टेस्टेड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मिसाइल? कौन सी टाइप की ये मिसाइल है? ए एंटी सबमरीन, बी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन, सी सरफेस टू एयर और डी एंटी टैंक। सो द करेक्ट आंसर इज, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए
न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है, बी ऑप्शन। सो इसको डीआरडीओ ने रिसेंटली टेस्टेड किया है सक्सेसफुली एट बलासोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, पंजाब इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया। छत्तीसगढ़ इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा है। तो बताएं, ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, और डी नन ऑफ द अबव, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज सी बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। रीजन आइए देखते हैं। सो अगर आप यहां पे देख पा रहे हो फोटो में, सो यहां पे अगर आप देखो, ये है वीट के लिए, वीट का हाईएस्ट प्रोडक्शन आप देख पा रहे हो उत्तर प्रदेश 292, ठीक है, लाख टन से प्रोड्यूस करता है। पंजाब 169 करता है, राइट। और अगर आप राइस पे देखोगे, राइस में हाईएस्ट है आपका वेस्ट बंगाल 155 करता है, छत्तीसगढ़ केवल 64 करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ को राइस बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इज अ स्कीम इंप्लीमेंटेड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती है। ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और डी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, संपदा नाम से ये स्कीम आज चलती थी पहले, उसका नाम चेंज कर दिया है, प्रधानमंत्री किसान संपदा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की ये स्कीम है। अब देखो ये स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस स्कीम के तहत मेगा फूड पार्क्स बनाने हैं, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स, ताकि जो भी हमारी सब्जियां हैं, फल हैं, वो खराब ना हो, लंबे टाइम तक रहे, क्वालिटी एश्योरेंस करना है। सेकेंडली, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस एग्रीकल्चर में, राइट, उसको प्रमोट करना। लेट्स से ये किसान है, किसान की फील्ड, ठीक है, यहाँ पे खेती होती है, ये है आपका मार्केट, तो मार्केट वाला जो भी एस्पेक्ट होगा, जो फील्ड एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर फील्ड को मार्केट तक कनेक्ट करती है, तो ये आगे की चीज फॉरवर्ड हो जाएगी। बट एग्रीकल्चर फील्ड में आने के लिए भी तो कुछ कुछ चाहिए आपको, जैसे आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड हो गया, वाटर हो गया, ऑलराइट, इन्वेस्टमेंट जो भी चाहिए, ये सब आपका, ये पूरा पीछे वाला बैकवर्ड लिंकेजेस हो जाएगा, और फॉरवर्ड लिंकेज आपके क्या हो जाएंगे, जो एग्रीकल्चर फील्ड को मार्केट से कनेक्ट करता है, जैसे आपके ट्रांसपोर्ट, रोड्स वगैरह हो गई, ठीक है, मंडीज हो गई, मार्केट हो गया, ये सारी चीजें फॉरवर्ड लिंकेजेस में आई थी। तो इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द ग्रैंड एनिकट कैनाल सिस्टम विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज इन विच स्टेट, किस स्टेट में ये ग्रैंड एनिकट कैनाल सिस्टम है। ए तमिलनाडु, बी केरला, सी कर्नाटका, और डी ओडिशा। बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में। सो द करेक्ट आंसर इज ए, तमिलनाडु में ये सिचुएटेड है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में कुछ न्यूज देख लो, तो इसका दूसरा नाम है कलानई डैम बोला जाता है इसको, ठीक है, और ये चोला टाइम से, चोला डायनेस्टी आप सबको याद आ रही है, उस टाइम से ये है। तो अगर आप इंडिया का मैप बना रहे हो, तो ये पोर्शन आपका चोला किंगडम था, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड है आपका, ठीक है, कावेरी रिवर के अक्रॉस, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु यहाँ पे लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। INS Karanj which was making news recently is, क्या है INS Karanj? A anti tank missile, B scorpion class submarine, C supersonic cruise missile, और D aircraft carrier। तो देखो यहाँ पे एक INS mentioned ही है, तो obviously इंडियन नेवल सिस्टम है, तो हमारा ये तो हट ही जाता है, क्रॉस आउट, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये भी हटा दो, तो बचा हमारा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसमें सब बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो द करेक्ट आंसर इज बी, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। तो ये बेसिकली जो INS Karanj है, ये फर्स्ट बैच ऑफ द 6 कलावरी क्लास सबमरीन, जो कलावरी है ना, कलवारी क्लास सबमरीन का ये, इसका एक पार्ट है ये INS Karanj। तो इसमें INS आपका
कांधेरी इससे पहले था, उससे पहले कलवारी था, ठीक है। तीसरा नंबर वाले का नाम करंज है, ठीक है। इसके तहत छह और तीन और अभी आएंगी, राइट। सो ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है स्कॉर्पिन क्लास की, ओके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी अरुणाचल प्रदेश। मुझे करेक्ट आंसर आप लोग बताएं। ट्राई टू थिंक। तो द करेक्ट आंसर इज बी, हिमाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सेकेंडली, इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ही आता है, राइट। अब इसी से रिलेटेड मुझे आप लोग बताएं कि वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये किस स्टेट में आता है, पहला। दूसरा मुझे आप लोग बताएं, पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क ये किस स्टेट में आता है। ये दो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पिन वैली और वैली ऑफ फ्लावर, बताइए ये दोनों कहाँ पे आते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई थिंक आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी हमारी जो नया तहसीलदार की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको ज्वाइन करके ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। यहाँ तो हम बहुत 10-10 क्वेश्चन लेके आते हैं, वो आपका कंप्लीट 2000 MCQs का कंप्लीट सेट रहेगा। ऑलराइट, और PDF मिलने से थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है प्रिपरेशन की, क्योंकि वीडियो से देखो, वीडियो के भी अपने एक अलग फ़ायदे और नुकसान है। वीडियोज़ के देखो फायदे मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग जैसे हम एज अ फैकल्टी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको पढ़ाते पढ़ाते और भी अलग से कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि यार आप इसके बारे में बताओ। जैसे हमने लेट्स से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात की, तो मैंने आपको साथ में बोलिए कि आप वैली ऑफ फ्लावर को भी रेडी कर लो और पिन वैली नेशनल पार्क को भी रेडी कर लो। ये सारी चीज़ें आपको PDF में हम उतना होता ना इम्प्रॉम्प्टू एकदम मतलब मॉडिफाई करके हम आपको वहीं तुरंत तुरंत बता दे रहे हैं, वो PDF में नहीं हो पाता है। PDF के अपने फायदे हैं। PDF में ये होता है कि सारी चीज़ें आपको एक साथ लिखी हुई मिल जाती हैं, ठीक है। प्लस आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको अपनी ओवरऑल रैंकिंग का पता चलता है कि यार हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं इस कॉम्पिटिशन में, तो आप वहाँ पर आप अपने आपको इम्प्रूव करते हो। ऑलराइट, सो जिसको ज्वाइन करना आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, गुड क्वालिटी क्वेश्चन और डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन योर स्टेट एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ सेफ डे, बाय।